ये बिल्कुल सही जगह है जहां हम उन सारी गतिविधियों को पूर्ण कर सकते हैं जिससे हमें सच की प्राप्ति हो और अपने अंदर एक निडर भाव उत्पन्न कर सके। जहां एक ओर विदेशियों के लोहे के कीले हैं, तो एक ओर हमारी प्रकृति माँ की प्रतिमा। ऐसा ही महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम के बारे में वर्णन किया था जब वे यहाँ पहली बार आए थे। साबरमती आश्रम से पहले ये सत्याग्रह आश्रम के नाम से जाना जाता था, जो कि अहमदाबाद के प्रसिद्ध वकील जीवनलाल देसाई के कोचरब बंगलों में स्थित था। महात्मा गांधी जी यहाँ पे 1915 से लेकर 1933 तक थे। बाद में इसे साबरमती नदी के किनारे स्थित किया गया, जिसके बाद से इसका नाम साबरमती आश्रम पड़ गया। यह आश्रम अपने आप में ही इतिहास की बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी भी है। धन्यवाद।